बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूज़ को प्यार भरा सलाम। कैसे सब लोग? उम्मीद है हरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज यहाँ पर उतार रही हूँ घर की सब्ज़ी, थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ लगी हुई थी तो उतारने लगी हूँ और सच्चे साथ आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखें, ये है भिंडी की सब्ज़ी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी भिंडी है। भिंडी की सब्ज़ी वैसे भी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और भिंडी में आलू डालकर पकाएं तो और भी मज़े के हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडियाँ उतारने लगी थी। ये देखें, ये दो किस्म की भिंडियाँ हैं, एक प्लेन भिंडी है और एक ये दूसरी। तो ये जो दूसरी होती है इसमें थोड़े ज़्यादा बीज होते हैं, लेकिन ये जो प्लेन वाली होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। इसमें गाय के वक्त में घर पर सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना भी शुक्र अदा करें इतना कम होता है। ये देखें, यहाँ पर भिंडी मैंने उतार ली है। तो अब आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर हैं टमाटर लगे हुए, ये देखें बहुत सारे लगे हुए हैं, मगर ये अभी कच्चे हैं, अभी इन्हें इस्तेमाल नहीं करना, या जब ये तैयार हो जाएंगे तब इन्हें उतारेंगे। और यहाँ पर आगे ये देखें, ये बेल लगी हुई है स्वीट पम्पकिन की, ये देखें। और यहाँ साथ इसके मुझे लगता है एक अदद छोटा सा लगा, ये देखें ये आ गया लगा हुआ, अभी छोटा है, दो तीन दिन बाद इसे उतारेंगे। और आप चलते हैं, देखते हैं कोई शायद कोई करेला वगैरह भी मिल जाए। ये देखें, यहाँ पर ये एक तोरी मिली हमें, ये देखें ये भी मैंने उतार ली है। और यहाँ पर आप करेले लगे, ये बहुत दूर है इसे थोड़ा उतारना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये भी उतार लूँ। ये देखें एक इधर भी है, इसे भी उतार लेती हूँ। ये जी ये मैंने उतार लिए हैं। ये देखिए, मौसम भी बहुत प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह बारिश भी होने वाली है, और दो दिन से बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ठीक हो गया है, ठंडा हो गया है। ये देखिए, अभी हाँ मैं ऊपर आ गई हूँ वापस सेन में, तो यहाँ पर ये करेले लगे हुए हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं और ख़ूबसूरत। और ये भी मैंने, ये देखिए जी, ये देखिए अल्लाह ताला की शान, माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ एक और मुझे नज़र आ रहा है इधर पत्तों के पीछे छुपा हुआ, ये भी उतार लेते हैं। माशाल्लाह आज तो बहुत सारी सब्जियां मिल गई हैं, इन्हें उतार के फ्रिज में रख देंगे और जब चाहे पका लेंगे। ये घर के जो करेले होते हैं थोड़े ज़्यादा ही कड़वे होते हैं, मगर अब इन्हें थोड़ा सा ऊपर से इनका छिलका उतार के और फिर इन्हें नमक लगा के दो तीन घंटे के लिए रखते हैं, तो फिर इनसे कड़वापन जो होता है वो निकल जाता है, और फिर ये कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बहुत ही मज़े के पकते हैं। और आप चलते हैं, इधर एक बैंगन का पौधा था, शायद एक दो बैंगन भी मिल जाए। हाँ ये देखें, यहाँ पर दो तीन बैंगन नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी उतार लेते हैं क्योंकि ये भी तैयार है, ज़्यादा बड़े होने पर ये काफ़ी अच्छे नहीं पकते, तो ये जब छोटे ही उतार लें तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छी टेस्ट होती है इनकी। ये भी उतार लिए हमने। ये देखिए, यहाँ पर ये पपीते लगे हुए हैं मगर अभी कच्चे हैं, तैयार नहीं हुए। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ये देखिए हवा भी चल रही है, माशाल्लाह पौधे वगैरह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से इनको पानी मिला है। ये देखिए सब्जियां मेरी तकरीबन मैंने गट्ठी कर ली है, भिंडी है, करेला है, तोरी वगैरह, बैंगन वगैरह, सलाब की वजह से काफ़ी सब्जियां तबाह हो चुकी हैं, बाज़ार से हमें कम सब्ज़ी मिलती हैं, वो जो मिलती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है और इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि बता नहीं सकते। और यहाँ पर आते हैं हम फ्रूट की तरफ, तो ये हमारे घर का फ्रूट ये है बनाना केला, जो हमने इधर उतार के रखा है और अब इसे पकने के लिए रखेंगे, और जब पकने के लिए रखेंगे तो तकरीबन तीन चार दिन में ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए। और अब फिर ये शाम का टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़े अमरूद तोड़ के ले आते हैं, तो अब चलते हैं अमरूद तोड़ने के लिए, क्योंकि अमरूद थोड़े दूर हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। माशाल्लाह अमरूद भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, मगर अभी इनमें कीड़ा वगैरह है बारिशों की वजह से, लेकिन कुछ दिन तक ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अभी इनमें कीड़ा है। ये देखिए, ये है केले का पौधा, माशाल्लाह इधर भी ये देखिए केले लगे हुए हैं,
बहुत ही प्यारे, आपको पहले दिखाया था जो घर में हमने तोड़ के रखा पकाने के लिए। और अब हम पहुंचने वाले हैं अमरूद के दरख्त के पास। ये देखिए वो नज़र आ रहा है दूर, वो है अमरूद का दरख्त। अब हमने डाले हैं अमरूद। ये जी तो हम पहुंचा है अमरूद के दरख्त के पास। और ये देखिए कुछ पक्के और कुछ कच्चे लगे हुए हैं, कुछ इनमें से ख़राब हैं, कीड़ा वगैरह है उनमें, और जो साफ साफ है हम देख के उतारेंगे। ये देखिए ये वाला ठीक है, ना इतना कच्चा ना पक्का, बहुत ही मज़े का होता है जो इस तरह का होता है। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है, ये वाला ख़राब है, इसे नहीं रखना, इसे फेंक देते हैं। जी तो अमरूद हमने उतार लिए हैं, 6-7 तकरीबन उतार लिए हैं, ये काफ़ी हैं। और अब हम चलेंगे वापस घर, और साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।